टांगे बोली पड़ी, हम गए थे वहाँ। कहाँ पे गया था मैं? कुट्टाल, वो कौन सा था ट्रैकिंग कैंप? कुटला, कुटला गए थे, कुटला। यूट्यूबर हो गया अभी? हाँ हाँ, पहले टोश गए, टोश से फिर गए कुटला। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग जो है अपनी ट्रैकिंग करके वहाँ से निकल ही आए थे, फिर कसौल से हम वापस की तरफ वापस जा रहे हैं मनाली की तरफ। वैसे भी डिसाइड नहीं है कि एग्जैक्टली जाएंगे या फिर कसौल में ही रुकेंगे, लेकिन हमने सोचा चलो जब यहाँ पे आया तो पार्वती रिवर के साइड में जितने भी कैफ़ेज़ होते हैं उनको विज़िट करते हैं और यहाँ पे डिनर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं, एक कूल सा कैफ़े दिख रहा है यहाँ पे, ये आई लव कसौल करके, आई लव चलो कसौल। तो इसमें हम अभी जाएंगे और इस ढाबे के पीछे रिवर बह रही है, तो उधर देखेंगे कि वहाँ पे कुछ सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह है या नहीं है, क्योंकि मैं हमें एक्चुअली रिवर साइड डिनर करना है आज। तो देखते हैं, ये बैठे हमारे मामूश्री, पीछे ये रही किम और ये रही दिव्या। सबकी एक्चुअली हालत ख़राब हुई है, देखो दवाई ववाई खा रहा है, गर्म कर दी और ऊपर से थकान ट्रैकिंग कोई सर दर्द की दवाई खा रहा है, कोई पैर दर्द की खा रहा है, कोई उल्टी की खा रहा है। एक्चुअली मैंने तो रेडबुल पी रही थी, अभी तो मेरा मन नहीं कर रहा दवाई खाने का, एनर्जी है काफ़ी, अभी खानी है, खाना है मेरे को, खाना खा के गाना है गाना। एक्चुअली सुबह से, सही बात है, ढंग से कुछ खाया नहीं है, खाना तो नहीं खाया ना। तो हमने यहाँ से खा लिया अब खाना, अब हम निकल रहे हैं डायरेक्ट मनाली के लिए। तो फाइनली यही डिसाइड हुआ है कि अभी मनाली चले जाएंगे, तो अभी शाम के 7:52, मतलब ऑलमोस्ट 8 बज गए रात के, तो 9:30 बजे साढ़े 9-10 बजे के आसपास मनाली पहुँच जाएंगे, क्योंकि सुबह वैसे भी लेट उठने की आदत है। अगर हम यहाँ कसौल में रुकेंगे, सुबह निकलेंगे, फिर पता नहीं मनाली कब पहुँचेंगे, वैसे ही आधा दिन ख़राब हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना। तो जो है अभी निकलेंगे, सो जाएंगे आराम से, जाके खा पी के मस्त, और उसके बाद सुबह अच्छे से उठ के निकल जाएंगे घूमने के लिए मनाली। देखते हैं मनाली कैसा है और आपको भी दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। तो हमने अब ले लिया है घुंटूर से राइट, कसौल से उतर के, और ये वाली है मनाली की रोड, जिसे बोला जाता है मनाली हाईवे। तो हमने पकड़ लिया है मनाली वाला हाईवे, और जो है यहाँ से मैप में जो रोड दिखा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट दिखा रहा है, हमें बिल्कुल स्ट्रेट जाना है और मनाली हमारा 48 किलोमीटर बाद आ जाएगा। आप देख लो ये वाला बोर्ड सामने, कुल्लू 8, नगर 33, मनाली 48। 48 मतलब हम 1 घंटे के आसपास पहुंच जाएंगे मनाली। सामने देखो पहाड़, पता नहीं मनाली के दिख रहे हैं कहाँ के दिख रहे हैं, लेकिन खूबसूरत दिख रहे हैं। रात का समय ज़्यादा जस्टिफाई नहीं है, लेकिन जो भी है अच्छा लग रहा है। बाकी बातें मनाली पहुँच कर, हम एलियन हैं, हम स्पेसशिप में जो है बैठे हैं और उड़े जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ब्रेकर भी नहीं है एक भी। गाइज हम गैलेक्सी में गाड़ी चला रहे हैं, आई मीन हमारा स्पेसशिप उड़ रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। रोड भी एकदम चगाचग है, मस्त। आज तो टांगे बोली, हाँ आज मनाली में टांगे बोली पड़ी, हम गए थे वहाँ। कहाँ पे गया था मैं? कुट्टाल, वो कौन सा था ट्रैकिंग कैंप? कुटला, कुटला गए थे, कुटला। यूट्यूबर हो गया अभी? हाँ हाँ, पहले टोश गए, टोश से फिर गए कुटला। बाकी होटल कौन सा बुक किया? होटल वहाँ पे था सनसेट। यहाँ पे कौन सा बुक किया अभी? यहाँ कुछ नहीं करा बुक डायरेक्ट। कहाँ पे? मॉल रोड के पास। क्या है रेट? क्या है रेट? क्या सर कार्ड दे दो, ये लो कार, ये लग गया। नाम बता दो, नाम बताओ होटल का, आओ कर ले, नाम बता दो, हम लोग चेक कर लेंगे। तो क्या प्राइस बताओ, हमारा बजट थोड़ा लो है। अरे गाड़ी का 1200 रुपए सर एक रूम का।
ये लेकिन पास में ही है ना, यहाँ पे से नहीं, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे मेरे बाइक है ना, होटल को जा रहा हूँ। हमें दरअसल आगे लेना है होटल। आगे सर यहाँ पे नहीं है, 5 किलोमीटर आगे मॉल रोड के पास में। नहीं हमें और आगे लेना है। कहाँ से आगे लेना है? और थोड़ा सा आगे अटल टनल के आसपास। नहीं नहीं वहाँ तो सर अभी बंद है। अच्छा कल मॉर्निंग में निकल जाना आप, मैं बता दूंगा आपको कहाँ पे बर्फ पड़ी है क्या क्या। सो गाइस आ गए हैं हम मनाली की माल रोड, और ये है माल रोड मनाली की। तो हमने जो है गाड़ी अपनी वहाँ पे पार्क कर दी है, वो खड़ी अपनी नेक्सॉन वो बोर्ड के नीचे, और जो है यहाँ से आ गए हैं हम माल रोड की तरफ। और मेरे को तो सारी ही माल रोड ऑलमोस्ट सेम ही लगती हैं, इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है वेदर क्योंकि अच्छा है, ज़्यादा ठंड नहीं है, प्लीजेंट वेदर है। और जो है हम चल रहे हैं आगे। अगर पुलिस वाले नहीं देंगे तो फिर अटल टनल से वापस। ओए मान 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 क्या कहाँ पे? चिकन चिकन क्या खाना है? मोमोज। वेज खाओगे कि नॉन वेज? वेज ही ले लेते हैं, एक प्लेट वेज बना देना। ये देखो गरम गरम मोमोज, ये वेज वेज वाले हैं ये। वाह 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 एकदम बढ़िया बढ़िया गरम गरम। हाफ नॉन वेज कर देना, अलग अलग प्लेट में करना, वेज अलग नॉन वेज अलग। मेरे हिसाब से तो जो है वेज ही खा लो। मुझे तो नॉन वेज, बाहर के नॉन वेज पे ट्रस्ट नहीं होता अपने को। क्या प्लेट के लिए फिर कोई नहीं, खाने वाले भी तो हैं। ये तो खुद उधर देखो, देखो उधर 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 चांद को देखो। तो शॉपिंग भी करेंगे थोड़ी सी, है ना? थोड़ी सी कराओगे? हाँ भैया थोड़ा प्लेट बड़ा रखना, नॉनवेज मत ले आगे खाइए। हाँ रहने दो रहने दो रहने दो, चलो ये तो फिनिश करो। अभी भी तो होंगे, टेस्ट करके देखते हैं कैसे हैं मोमोज। देख लो वीडियो बनाओ मैं सबका। आइसक्रीम, ओ आइसक्रीम भी खा लीजिए भाई, मुझे तो टेस्टी लग रहा है। अच्छा बढ़िया, मेरा तो हाथ सिक रहा है नीचे से, मजा आ रहा है। चलो मोमोज एंजॉय करते हैं, बाकी बात बाद में। बाकी बातें पीने बाद, बाकी बातें पीने बाद। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं मनाली माल रोड एक्सप्लोर करने की। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया शॉल और सूट गरम गरम। ये है मनाली माल रोड की मार्केट। Yeah, I think.
तो कैसा लग रहा है मनाली? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है माल रोड? अच्छा कैसा लग रहा है मनाली का माल रोड? अच्छा लग रहा है, नया नया अजीब सा लग रहा है। नहीं, मसूरी वाले से बहुत चौड़ा और अच्छा है। मैं तो पहली मॉल रोड घूम रहा हूँ। मसूरी में ना, मसूरी में पता है बहुत कम स्पेस है चलने का। अच्छा ये लोग यहाँ खड़े तो हैं। सॉफ्टी खानी थी ना तुम्हें? तो तुम्हें सॉफ्टी खानी थी तुम्हें? नहीं, मैं आज रसगुल्ला, गरम रसगुल्ले के साथ आइसक्रीम खाऊंगा। अच्छा नहीं, जलेबी भी है यहाँ पे, पनीर कचौड़ी भी है, पनीर वाली है जलेबी है। हाँ, ये गरम गरम दूध भी है, बादाम वाला, बढ़िया। दुकानें बंद शंद हो रही हैं अब, टाइम हो रहा ना। हाँ, होटल ढूंढ लेते हैं अपन पहले। होटल यहाँ मत ढूंढो। हाँ, कहाँ पे? वहाँ पीछे पानी है। हाँ, प्यास नदी जा रही है, वहाँ पे होटल मिल जाएगी। रूफ टॉप कैफे इस साइड देखना। आगे चलो कि पीछे? होटल देखते हैं पहले। चलो, तो हमने कसौल में शाम को कितने 7 बजे के आसपास ना, कसौल में शाम को 7 बजे के आसपास जो है हल्का फुल्का खा लिया था। अभी रात के बज रहे हैं 11, हम हैं मनाली में और मनाली में हम लोग होटल बुक करके आ गए हैं। अभी यहाँ पे बैठे हैं तो थोड़ा बहुत डिनर खा रहे हैं सब लोग। अभी फिलहाल पाव भाजी ऑर्डर करिए। ये रही पाव भाजी, ये रही पाव भाजी, बढ़िया। आप नहीं दिले, रेट लिस्ट भी सही है, सही है। मैं तो धोके आ गई हूँ। कैसी है पाव भाजी? हाँ, टेस्टी है, अच्छा है। कैसी लग रही है पाव भाजी? बेस्ट, सबका अच्छी लग रही है। चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। पूछ रही हूँ नहीं सही, मैं बोली थी मैंने पूछना था, ये बगल में थाली खा रहे हैं लोग, वो कौन सी थाली है? अच्छी है, थाली है। nice, टेस्टी है। वो कौन सी? कढ़ाई पनीर। चलो तो मैं जो है थाली नहीं मंगाता, खाना खा लेता हूँ, बाकी बात फिर होटल में चल के करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आ गए हैं मनाली में, अभी बज रहे रात के 12 और ये अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। ये है होटल और सामने पहाड़ जो कि सुबह दिखेंगे क्लियरली। ये रहा जो है रूम, ये देखो बढ़िया सा टॉल का डिज़ाइन, और ये जो है व्यू फ्रॉम रूम, ये रही, ये सामने का व्यू है। ये रहा, बढ़िया रूम है, टीवी वगैरह है, फर्नीचर अच्छा है, बेड अच्छा है, काफ़ी मोटा है। इनका वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है, वेरी नाइस। देखो ये देखो दिव्या बैठ के यहाँ पे सामने का नज़ारा ले रही है। अभी जो है हम थोड़े बहुत अपना कपड़े वपड़े चेंज करेंगे ट्रैकिंग से आने के बाद, देखो क्या हालत हो रखी है शूज़ की, जींस की, और हमारी पूरी बैंड बजी पड़ी है। तभी थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं और बाकी की बात करते हैं आपसे बाद में, ठीक है? चलो